अरे यार, परी ने मुझे बोला था कि हम दोनों साथ में वीडियो बनाएंगे। पता नहीं कहाँ रह गई परी। बाप रे परी, ये सब क्या है? मैं परी नहीं, साइंटिस्ट परी हूँ। ओह, साइंटिस्ट परी। हाँ। और आज हम करने वाले हैं साइंस एक्सपेरिमेंट। ओह, साइंस एक्सपेरिमेंट? हाँ, वो भी मैजिक वाले। ओह, इसका मतलब है मैजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट। हाँ। वाओ, चलो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप भी हो ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं। लीजिए मैडम। और बॉल भी। ये लीजिए। इसे पकड़िए। लेकिन परी, इससे तो हम बाल सुखाते हैं ना। एक मिनट, इसे पकड़िए। ओके, पकड़ा मैंने इसे। चालू कीजिए। ओके, चालू किया। वाह, ये देखिए साइंस का कमाल। हाँ ना, बहुत अच्छे। और देखो बॉल कैसे हवा में उड़ रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं। तो गाइस, आप ये एक्सपेरिमेंट ना घर पे जरूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड्स को दिखाना ये। चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलो हम करते हैं अब सेकंड एक्सपेरिमेंट। चलो उसका सामान लाते हैं। हाँ। वाव, आ गया। तो परी, हमने यहाँ पे क्या लिया है? ये क्या है? प्लेट। और ये? कैंडल। और ये क्या है? बाउल। तो चलो शुरू करें। हाँ। तो पहले ना हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अरे यार, सामान में पानी नहीं दिया संकेत तूने। ले लीजिए मैडम पानी। हो गया पानी। अभी इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कलर। तो कौन सा कलर डाले? रेड। ओके, रेड ले लीजिए। इसे मिक्स करेंगे हम। रेड रेड रेड। चलो तो इसे मिक्स करें। हाँ। ओके, अब हम क्या करेंगे पता है? इसके ऊपर ये कैंडल्स रखेंगे, लेकिन पहले हम इस कैंडल्स को जलाएंगे। ओके, तो अब हम इन्हें रखेंगे इस पानी के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ये प्लेट के अंदर हमने रखी है। ध्यान से। ओके, अब हम इसके ऊपर रखेंगे ये बाउल। तो अब मैजिक देखना। इसे हमने रखा। देखा आपने, कैंडल्स अपने आप ऊपर आ गई। अच्छा? हाँ? Ready? चलो अब हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके? चलो। मेरे एक्सपेरिमेंट्स ना ज्यादा अच्छे थे। मेरे। अरे तुम दोनों रुको यार, मैं बताता हूँ भी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। बाजू जाओ, मैं बताऊंगा एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। चलो मेरे एक्सपेरिमेंट का सामान लाओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें वो रखा है वहां पे, लेके आओ। जाओ जाओ, भागो। चलो, तो सामान आ गया। क्या करना है इसका? अभी दिखाता हूँ क्या करते हैं। ठीक है, हमारे पास है 200 ml पानी जो एक कप में आ जाता है। ठीक है, ये हम लेंगे एक बोल में। ले लिया। ओके, अभी इसके बाद हमारी जो शक्कर है घर वाली, ओके, वो एक चम्मच इसके अंदर डालेंगे। एक चम्मच डाल दी। ओके, चलो अभी चाय पत्ती लाओ, चाय बनाते हैं। तो अभी इसके अंदर लिक्विड डिश वॉश यानी कि विम जो घर में रहता है। ओके, ये हमें पीना है। ये लो, पियो पियो। तो ये हम दो चम्मच डालेंगे। कितने? मतलब एक चम्मच शक्कर और दो चम्मच विम डिश वॉश। ओके ओके।
ओके ये हो गया 2 चम्मच अभी ये सब सामान बाजू में रखते पहले ओके सब बाजू में स्ट्रॉ का क्या करना है बताता हूँ अभी रुको पहले पियो लेमन जूस इसको अच्छे से मिक्स करना है ओके ओके अरे हो गई मिक्स हो गई शक्कर भी मिक्स हो गई है लिक्विड भी मिक्स हो गया है ओके ओके तो अब ये है हमारा कांच वाला टेबल ठीक है हाँ। ठीक है तो अब थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डालेंगे अरे रुको बाद में साफ करता हूँ मैं रुको तुम्हें करना हाँ मैं ही करूँ ओके 4 चम्मच ऐसे मैंने कुछ तो डाल दिया यहाँ पे ओके ठीक है थोड़ा सा ऐसा फैला दो ओके फैला दिया ठीक है ये ली मैंने एक स्ट्रॉ और स्ट्रॉ को इसमें डुबा कर ऐसे अच्छे से इसके ऊपर पानी लगाना है और ये छी पीना नहीं है छी कर रही है ये लो बबल के अंदर बबल वाओ वो कितना बड़ा बबल है वाओ देखा कैसा लगा मेरा साइंस एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा ये तो घर पे हम आसानी से कर सकते हैं और इतने बड़े बबल्स देखो तो चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इसके लिए हमने लिया एक पेन और एक पेड़ का पत्ता और एक बड़े प्लेट में पानी और इसमें से मुझे इंक निकाल के दो इंक हाँ तो चलो पहले हम निकालते हैं रिफिल और फिर हम निकालेंगे इसके ऊपर के निब थोड़ा ध्यान से निकालना ओके ठीक अभी क्या करूँ इसके कोने में लगा ओके इसके कोने में लगाओ तो देखो मैंने लगाई है इंक अब इसका क्या करें पानी में डालो ओके ठीक है पर एक मिनट क्या इंक वाली साइड ऊपर रखो ओके ओके मतलब जहाँ पे मैंने इंक लगाई है वो साइड मैं ऊपर रखूंगी वो ये तो बोट के जैसे घूम रहे हैं ये देखो वाह ये कितना कूल एक्सपेरिमेंट था काश हमारे पास ना बड़ा बर्तन होता है ना तो ये जो पत्ता है ना वो स्पीड बोर्ड के जैसे दौड़ता तो चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ओके तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ना परी मैं तुम्हें सिखाती हूँ जो मैंने बचपन में सीखा था ओके तो उसके लिए मैंने लिया है एक खाली कांच की बॉटल आप प्लास्टिक की बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेकिंग सोडा जो हम केक बनाने के लिए यूज करते हैं एक बलून और विनेगर जो आपके किचन में होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बलून के अंदर हम डालेंगे बेकिंग सोडा ओके लेकिन बेकिंग सोडा कैसे डालेंगे संकेत पटल से तुम डालोगी ओके पहले मैं इसे लगा दूं तो मैंने इस बलून के अंदर डाला है बेकिंग सोडा अब हम क्या करेंगे इस बॉटल के अंदर डालेंगे विनेगर ओके ओके इस बॉटल को हमें पूरा नहीं भरना है आधे से थोड़ा सा कम होना चाहिए ठीक है ओके अब क्या करेंगे पता है क्या इस बलून को इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे लगा लिया अच्छे से इसे पैक करना आप लोग अब हम क्या करेंगे पता है क्या इस बेकिंग सोडा को इस विनेगर के अंदर डालेंगे ओके जो हमने इसके अंदर भरा है स्लोली स्लोली ये
देखा? वाओ! बलून अपने आप भर गया। वाओ! अच्छा है ना? हाँ। इसे निकालो। देखा मैंने बलून कैसे फुलाया? टाटा! चाहिए तुम्हें? हाँ। नहीं मैं नहीं लूंगी, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। गाइज आप ना घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखना और हमें कमेंट में बताना कि ये कैसे हुआ है, ठीक है? चलो करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। चलो परी, ये लो मैं तुम्हारे लिए बलून लेके आई हूँ। क्या कर रहे हो? क्यों फोड़ा बलून? तुम मेरा बलून फोड़ना। हाँ ठीक है चलेगा। अरे ये फूट क्यों नहीं रहा है? मुझे क्या पता? परी ने ना कुछ तो किया है, इसके अंदर पानी भरा है ना तुमने? अच्छा इसकी वजह से ये फूट नहीं रहा है? हाँ। अच्छा एक्सपेरिमेंट है ना, आप ना ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना और अपने फ्रेंड्स को उल्लू बनाना। अगर आपको हमारे ये कूल एक्सपेरिमेंट्स अच्छे लगे होंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ गाइज आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको किसके एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा अच्छे लगे, मेरे यानी प्रीति के, संकेत के या फिर परी के। तो आप नीचे जरूर कमेंट करना। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।